हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। सो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है आपके लिए बहुत ही यूजफुल, क्योंकि मैं आज लेके आई हूँ आपके सामने कि आप अपनी ज्वेलरी को, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी है बारिश का सीज़न, तो पर्सनली मैं अपनी जो ज्वेलरी है उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपनी ज्वेलरी को कैसे संभालती हूँ, क्योंकि हर लड़की के पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो होती है, नो डाउट। और ट्रेंड के साथ वो जो उसका मतलब स्टोर है वो चेंज भी होता जाता है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो, ताकि जो भी आपकी आर्टिफिशियल पुरानी ज्वेलरी है, जो जैसे अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, आप पहले की लिए ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, तो आपने उनको पहनना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अब आप उनको फेंक तो सकते नहीं है, तो आप उनको अच्छे से कैसे मतलब ऑर्गेनाइज करके रखें कि अगर आपका जब माइंड चेंज हो या आपकी पहनने की इच्छा आए या ट्रेंड वापस से चेंज हो, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब ना हो। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे अपनी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको अरेंज करके रखती हूँ और ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। आइए। सबसे पहले गाइस, मेरे पास है एक ये प्लास्टिक का कंटेनर, जो कि मैंने एक लोकल मार्केट से ही लिया है, और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन में मतलब ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कंटेनर्स अवेलेबल हैं जिनमें आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने इसे फ़िलहाल मतलब लोकल मार्केट से ही लिया था, तो ऐसा कोई कंटेनर ले लें आप। और अगर वो कंटेनर आपका सेक्शन वाइज है तो बहुत अच्छा होगा, और बाकी अगर प्लेन है तो भी उसमें आप सामान कर सकते हैं। मैंने ये सेक्शन वाला लिया है ताकि मतलब अलग अलग टाइप की ज्वेलरी में रख सकूं। सो ये ऐसे आता है कैप के साथ। फिर नेक्स्ट है, जो भी हमारी ज्वेलरी है उसको रखने के लिए आपको मतलब चाहिए होगी जो लॉक वाली पॉलीथीन आती है ना, ये आपको ऐसी लॉक वाली पॉलीथीन ले लेना है। तो मेरे पास ये रखी थी, हमारी शादी के टाइम की रखी थी ये पॉलीथीन, तो मैंने बोला आप कैसे यूज़ करें, तो बहुत सारी थी तो मैंने ले ली है। और अगर आप लोग चाहें तो इसको मार्केट से भी इजीली ख़रीद सकते हैं, मिलती हैं, तो इसको मैंने ले लिया है। और इसमें अब आप आपकी जो भी ज्वेलरी है, जैसे कि मतलब कुंदन की है और मेटल की है या जैसी भी है, तो वो आप इसमें ऐसे डाल के रख सकते हैं, और उसके बाद ये हो जाती है ऐसे लॉक। ये मैंने यहाँ पे लिया है एक चोकर सेट, और जो भी इसके इयररिंग्स थे, इसका मांग टीका था और इसका जो चोकर था, वो मैंने सबको साथ में इसमें बैग में डाल दिया है, और यहाँ से पॉलीथीन हो जाती है सील, तो मैं अब इसको सील कर दूंगी और ये मेरा बैग एक रेडी होगा। मतलब मेरी एक ज्वेलरी एक बैग में रहेगी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी ढूंढने में, और ये सेफ रहेगी, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर है तो सीरन, जैसे बारिश है तो सीड भी चली जाती है, तो उससे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो काली हो जाती है, तो इससे आपकी ज्वेलरी नई जैसी रहेगी और आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बैग ऐसे अवेलेबल हैं बहुत सारे मार्केट में, आप इसे भी परचेस कर सकते हैं और इसमें अपनी ज्वेलरी संभाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी बॉक्स है, इनमें मैं क्या करने वाली हूँ, अब ये जो मैंने पॉलीथीन में अपनी ज्वेलरी रखी है वो सेपरेट कर करके, जो मैंने रखी है पॉलीथीन में ज्वेलरी, उनको मैं अलग अलग जो सेक्शन है उसमें रख दूँगी। जैसे किसी सेक्शन में इयररिंग रख दूँगी, किसी सेक्शन में अपने नेकलेस रख लूँगी, किसी में चेन वाले पेंडेंट रख लूँगी, जो भी हो चेन वाला पेंडेंट सेट रख लूँगी, मतलब जैसी जिस टाइप की भी ज्वेलरी हो उसको मैं अलग अलग रख दूँगी। इससे मुझे क्या हेल्प होगी ढूंढने में कि कौन सी ज्वेलरी कहाँ रखी है, और मिक्स नहीं होंगी ज्वेलरी आपस में। और ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत अच्छा वे है अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रखने का, इससे आपकी जो ज्वेलरी की मतलब शेल्फ लाइफ है वो भी मतलब बनी रहती है, और इससे आपको कभी भी जल्दी कहीं जाना है तो आप इजीली अपनी जो ज्वेलरी है उसको ढूंढ के रख सकते हैं। तो बस यही था। सो ये थी मेरी जो प्लास्टिक के कंटेनर में ज्वेलरी रखी, उनके बारे में।
अब जो नेक्स्ट थिंग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई ज्वेलरी होती हैं वो पहले से ही किसी बैग में आती हैं या पॉलिथीन में आती हैं, तो आपको करना ये है कि उनको एज इट इज़ जो उनका पाउच है उसमें रखना है, मतलब जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको यूज़ करिए और फिर उसके बाद सेम पाउच में उसको रख दीजिए। तो इससे भी क्या होगा, हमारी ज्वेलरी इधर उधर नहीं घूमेगी और प्लस वो जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो और लॉन्ग लास्टिंग होगी, मतलब वो आराम से बहुत दिनों तक साथ रहेगी आपके, ख़राब नहीं होगी। जैसे कि मेरा ये चोकर सेट है ये इसी बैग में आया था, तो जब मुझे इसको यूज़ करना रहता है तब मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और बाद में इसको सेम बैग में रख देती हूँ। तो ये भी एक सेकेंड कंडीशन हो गई अगर आपके पास प्लास्टिक बॉक्स नहीं है तो। ठीक है, थर्ड थिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ज्वेलरी होती है उनकी पॉलीथीन घूम जाती है या हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम उसको पैक करके रखें, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऐसे कार्डबोर्ड के जो आते हैं उसके साथ, तो आपको उनको जो आपको यूजेबल लगे यूज़फुल लगे उसको आप साथ में रख लीजिए अपने। वैसे ये मैंने एक इयरिंग मंगाई थी उसके साथ का बॉक्स है तो मैंने उसको रख लिया था, और अगर आपके पास मतलब कुछ और ऑर्डर करा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसका बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस बॉक्स में ये इयरिंग्स आई थी, अच्छे लग रहे हैं ना, हाँ तो ये इयरिंग्स आई थी पर इसकी जो ऊपर की पॉलीथीन है वो घूम गई थी मुझसे ही, लेकिन शादी टाइम मैंने मंगवाया था भाई की तो वो घूम गई थी। तो फिर मैंने ऐसी जो गुमनाम ज्वेलरी जिनके कवर गुम जाते हैं उनको संभाल के रखने के लिए मैंने क्या करती हूँ मैं, कि आपको लेना है कॉटन, कॉटन को आपको रखना है ज्वेलरी के ऊपर अच्छे से कवर करके, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे कवर करके रखिए जिसमें जिस कारण मतलब इसमें मॉइस्चर ना जाए, क्योंकि इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अगर मॉइस्चर लगता है तो ही वो काली पड़ती हैं, और आप ऐसे इसको कवर कर दीजिए और इसका ये बॉक्स बंद कर दीजिए। ये पैक हो गई, अब आप इसको ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं, इसको कहीं बाहर जा रहे हैं तो ले भी जा सकते हैं, प्लस अगर आप इसको घर में रख रहे हैं तो घर में भी कुछ नहीं होगा, ये सेफ रहेगी और आपको जब यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस, आपको मेरा ये जो वीडियो था वो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने सजेशन भी दीजिएगा जिससे मैं अपनी वीडियो और इम्प्रूव कर पाऊँ, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके मैं आपके सामने आती रहूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।